वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने ये देखा था क्लासिफिकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। आज हम यहाँ देखने वाले हैं शेप के अलावा और भी कई सारे इसके जो क्लासिफिकेशन हैं ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स, उसको हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ओके, सो हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के मोड के बेस पे इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसकी बेस पर। थर्ड हम बात करेंगे पीएच की बेस पर। फोर्थ बात करेंगे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की बेस पे। फिफ्थ है गैशियस रिक्वायरमेंट कि ये इनको ऑक्सीजन चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या बिल्कुल नहीं चाहिए। सिक्स्थ है मॉर्फोलॉजी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्राम स्टेनिंग के बेस पे कि किस तरह का ये स्टेन लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं या ग्राम नेगेटिव होते हैं। और सबसे हम लास्ट हम बात करेंगे फ्लैजिला के बेस पे जो कि इनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो पीपल यहाँ नए हैं प्लीज लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि जो भी वीडियोज आपको सही टाइम पे मिलते रहें। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, कि किस मोड से इनको न्यूट्रिशन मिलता है या किस मोड से न्यूट्रिशन ये बैक्टीरिया गेन करते हैं उसके बेस पे, इनके बिहाफ पे हम यहाँ इसको आज देखेंगे। तो गाइस यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाई दे रही है, राइट। इस टेबल में कुछ पैरामीटर्स हैं और इनके टाइप्स हैं, ठीक है। बेसिकली यदि हम बात करें कि न्यूट्रिशन के बेस पे, तो उनके जो क्लासिफिकेशन दैट इज द फोटोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, मतलब चार पार्ट में उसको आप डिवाइड कर सकते हो। ओके, अब इनके बीच में कौन कौन से सिमिलरिटीज हैं या डिफरेंसेस हैं इसको हम यहाँ पैरामीटर के बेस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है, इनका सोर्स क्या है एनर्जी का। ओके, तो फोटोट्रॉप्स, यहाँ पे नाम से क्लियर है, फोटो फोटो का मतलब होता है फोटोन, और फोटोन जिसमें हम कहते हैं लाइट को, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, लाइट है फोटोट्रॉप्स में, इसलिए यहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइट। कीमोट्रॉप्स की बात करते हैं, कीमो का मतलब होता है केमिकल, इसलिए यहाँ जो सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज अ केमिकल। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन के सोर्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है। और हेटरोट्रॉप्स का मतलब होता है कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज किया जाता है फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, टाइप्स इनके। अब फोटोट्रॉप्स और जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं इसमें कौन कौन से इनके टाइप्स और होते हैं आगे, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले है फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स में दो तरह का इसको क्लासिफाइड किया गया है, पहला है फोटोलिथोट्रॉप्स और दूसरा है फोटो ऑर्गेनो फोटोलिथोट्रॉप्स। फोटोलिथोट्रॉप्स में पहला सोर्स तो हो गया एनर्जी का, दूसरा सोर्स हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, वो भी कौन से, रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे ये बैक्टीरिया क्या करता है यहाँ पर अपना एनर्जी गेन करता है। एग्जांपल में है क्रोमेटियम ओकेनी, ये बैक्टीरिया है क्रोमेटियम ओकेनी। दूसरा इसका जो सब टाइप है वो है फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। तो फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स में फोटो का मतलब हो गया लाइट, तो लाइट भी एक सोर्स है, और दूसरा है ऑर्गेनोट्रॉप्स मींस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल सक्सिनेट, तो इससे ये अपना एनर्जी गेन करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कीमोट्रॉप्स में। तो कीमोट्रॉप्स में दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, पहला है कीमोलिथोट्रॉप्स। ओके, इसमें भी क्या होगा, जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से आ रही है, और रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अमोनिया, इसके थ्रू एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, ठीक है। जैसे यहाँ फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स था, यहाँ पर क्या है, कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स है। तो दे गेन द एनर्जी फ्रॉम द केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड से एनर्जी ले रहे हैं, जैसे यहाँ लाइट से ले रहे थे वैसे यहाँ पे केमिकल कंपाउंड से एनर्जी ले रहे हैं, एंड यूजेस द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऊपर वाला यहाँ पे क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज कर रहा था, बट जो कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स है, नाम से क्लियर ऑर्गेनो है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करेगा, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ठीक है।
तो उसके थ्रू ये अपना सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करता है और एनर्जी गेन करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है स्यूडोमोनास, चलते हैं ऑटोट्रॉप्स की तरफ। तो ऑटोट्रॉप्स में भी इसके कुछ पार्ट्स हैं। पहला है फोटो ऑटोट्रॉप्स, दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो मतलब हो गया लाइट, ठीक है। तो दे यूटिलाइज द लाइट, लाइट का ये यूज करते हैं किस चीज के लिए? एसिमिलेट द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट करने के लिए लाइट का यूज करते हैं। और आगे इनको जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पहला है फोटोलिथोट्रॉपिक, उसमें भी फोटोलिथोट्रॉपिक ऑटोट्रॉप्स है, और दूसरा फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है। तो ये दो पार्ट में इसको और सब डिवाइड किया गया है। इसके अलावा जो दूसरा इसका जो क्लास है, कैटेगरी है, दैट इज द कीमो ऑटोट्रॉप्स है, राइट। कीमो का मतलब हो गया केमिकल, तो केमिकल यूज किया जा रहा होगा यहाँ पर फॉर द असिमिलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ फोटो ऑटोट्रॉप्स में लाइट का यूज किया जा रहा था कार्बन डाइऑक्साइड को असिमिलेट करने के लिए, वैसे कीमो ऑटोट्रॉप्स में किसका यूज किया जा रहा होगा? केमिकल का, राइट। नाउ फिर हम चलते हैं हेटरोट्रॉप्स की तरफ। हेटरोट्रॉप्स में लैक द एबिलिटी टू फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड, अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा था? और कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन चल रहा था, बट यहाँ जो हेटरोट्रॉप्स हैं इसमें कोई भी ऐसी कैपेबिलिटी या एबिलिटी नहीं है जिसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सके, ओके। सेकेंड पॉइंट है मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर, अधिकतर जो ह्यूमन बैक्टीरियाज हैं वो हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सब हेटरोट्रॉप्स आर सिंपल बिकॉज दे हैव द सिंपल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। कुछ बैक्टीरिया बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि इनका जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होता है वो भी काफ़ी सिंपल होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे फेस्टिडियस हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ, मतलब पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसके बिहाफ पे इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है साइक्रोफाइल। अब बात करते हैं साइक्रोफाइल्स की। तो ये जो साइक्रो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है थोड़ा सा कोल्ड, ठीक है, मतलब कोल्ड टेम्परेचर को हम बोलते हैं साइक्रो, राइट। अब बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो बिलो द 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, ऐसे बैक्टीरिया जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ग्रो कर सकते हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए ये 15 से 20 डिग्री तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, ये जो साइक्रोफिलस बैक्टीरिया होते हैं इसका जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, ओके, जो कि इसके नेचर को कैसा बनाता है? फ्लूइड नेचर का बनाता है, ओके। एग्जाम्पल की हम बात करें तो विब्रियो साइक्रोएरिथ्रस, वेब्रियो मैरिनस, पलेरोमोनास वैक्यूलेटा और साइक्रोफ्लैक्सिस। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं साइक्रोफाइलस के। याद रखिएगा साइक्रो मीन्स कोल्ड, ठंडा। सेकेंड है मीजोफाइल्स। मीजो का मतलब होता है जो एक नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में होते हैं, मीडियम इसमें होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो ग्रोथ का जो टेम्परेचर है ये 25 से 40 डिग्री है ना, और इसमें भी ये ऑप्टिमम की बात करें 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो ह्यूमन पैथोजेंस होते हैं अधिकतर ये कैसे होते हैं? मीजोफिलिक इन नेचर होते हैं या हेटरोट्रॉप्स होते हैं। नाउ एग्जाम्पल की बात करें तो ई कोलाई, एस्टेचे कोलाई के जिसको हम कहते हैं, सोलमोनेला, क्लैपसेला एंड स्टेफाइलोकोकाई, ये बैक्टीरियाज हैं जो कि मीजोफाइल नेचर के होते हैं और इनकी ग्रोथ के लिए 25 से 40 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो डिफाइंड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोफाइल्स। थर्मो का मतलब ही होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो दूस बैक्टीरिया दैट कैन बेस्ट ग्रो अबाउट द 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ऐसे बैक्टीरिया जो कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज़्यादा पर ग्रोथ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द थर्मोफाइल या थर्मोफिलस बैक्टीरिया। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि मेसोफिलिक टेम्परेचर पे 25 से 40 डिग्री की रेंज में ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं फैकल्टेटिव थर्मोफाइल्स, मतलब ये कम में भी ग्रोथ कर सकते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर रहा तब भी ये ग्रोथ कर सकते हैं, इसलिए इसको नाम दिया जाता है फैकल्टेटिव थर्मोफाइल्स। अब
ये जो थर्मोफाइल बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हायर टेम्परेचर भी इनकी जो सेल वॉल है वो लिक्विडिटी उसमें नहीं होती। ओके, नेक्स्ट हाइपर थर्मोफाइल्स। हाइपर का मतलब होता है और ज़्यादा टेम्परेचर पे ये ग्रोथ कर सकते हैं, जिसका टेम्परेचर रेंज है मोर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें आते हैं आर्की बैक्टीरिया। अधिकतर आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो हाइपर थर्मोफिलस होते हैं। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इनकी जो मोनोलेयर होती है, काफ़ी ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होती है, इसलिए हाई टेम्परेचर पे भी ये ग्रोथ कर सकता है। एग्जाम्पल, थर्मो डीसल्फोबैक्टेरियम, एक्विफैक्स, पायरोलोबस फ्यूमरी एंड थर्मेटोगा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं हाइपर थर्मोफाइल्स के। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्टिमम पीएच ग्रोथ। ओके, मींस पीएच का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। अब उस पीएच के वैल्यू के बिहाफ पे इसको हमने डिवाइड किया है या इसको और ज़्यादा क्लासिफाइड किया है, तो उसमें पहला है एसिडोफाइल्स। ठीक है, एसिडोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिडिक पीएच पर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, नाम से क्लियर है, एसिडोफाइल्स जो एसिडिक पीएच पे ग्रो कर सकते हैं, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, साइटोप्लाज्मी नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। सम एसिडोफाइल्स आर थर्मोफिलिक इन नेचर, और कुछ एसिडोफाइल्स थर्मोफिलिक नेचर के होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, मतलब एसिडोफिल्स भी है और थर्मो भी है, मतलब टेम्परेचर को वो गेन कर सकते हैं, तो इसलिए कहा जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। एग्जाम्पल, थायोबेसिलस थायोऑक्सीडेंस। ठीक है, नेक्स्ट है थायोबेसिलस फेरोक्सीडेंस, नेक्स्ट है थर्मोप्लाज्मा सल्फोलोब्यूस। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं एसिडोफिल्स के। एसिडो मतलब एसिडिक पीएच में ग्रोथ करने वाला बैक्टीरिया, सिंपल। ओके, नेक्स्ट है अल्केलोफाइल्स या अल्केलीफाइल्स। अल्केलीफाइल्स, अल्केली का मतलब होता है बेस, तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि अल्केली पीएच पर ग्रो कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्केली फाइल, एग्जाम्पल विब्रियो कॉलरी। ठीक है, जिसमें ऑप्टिमम पीएच ग्रोथ इसका कितना है, 8.2 है। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये न्यूट्रल पीएच पे ग्रोथ करते हैं, दैट इज अ 6.5 to 7.5, और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ग्रोथ एट द न्यूट्रल पीएच। बहुत सारे बैक्टीरिया जो है जो कि न्यूट्रल पीएच पर ही ग्रोथ करते हैं, एग्जांपल के लिए ई कोलाई। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ क्लासिफिकेशन की, ऑन बिहाफ ऑफ द गैसियस रिक्वायरमेंट। अब गैसियस रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है, कि या तो उस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, उसी के बिहाफ पे, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनको ऑक्सीजन मिल गया तो ठीक है और नहीं मिला तो भी ठीक है। ओके, तो उसमें हम बात करेंगे पहले ऑब्लिगेट एरोब्स की। एरोब्स है मतलब ऑक्सीजन चाहिए चाहिए। ठीक है, तो दूस बैक्टीरिया दैट रिक्वायर द ऑक्सीजन कैन नॉट ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया जिनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, राइट, दीज बैक्टीरिया कैरी आउट ओनली ऑक्सीडेटिव टाइप ऑफ द मेटाबोलिज्म। अब इनकी जो सेल है इसके अंदर जो मेटाबोलिज्म होगा वो कैसा है, केवल ऑक्सीडेटिव टाइप का ही है। ओके, एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम या बेसिलस। माइकोबैक्टीरियम या बेसिलस जो होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट एरोब्स, इनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, दूसरा फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब जो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, ओके, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, है तो ठीक है और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ ऑफ दिस बैक्टीरिया बिकम बेटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हालांकि इनका जो ग्रोथ है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ज़्यादा अच्छा होता है। दिस बैक्टीरिया कैरी आउट बोथ ऑक्सीडेटिव एंड फर्मेंटेटिव टाइप ऑफ मेटाबोलिज्म। इस टाइप के जो बैक्टीरियाज होते हैं इसमें फर्मेंटेटिव और ऑक्सीडेटिव दोनों टाइप के मेटाबोलिज्म प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल ई कोली, क्लैबसेला एंड सोलमोनेला। ये तीन कैटेगरी है जो आती है फैकल्टेटिव एनारोब्स के अंडर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एरो टॉलरेंट एनारोब्स। अब एरो टॉलरेंट एनारोब्स जो है ये किस तरह से होते हैं,
दूस बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर द ऑक्सीजन फॉर द ग्रोथ बट कैन टॉलरेट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया जिनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है बट यदि ऑक्सीजन मिल जाती तो वो उसको टॉलरेट कर सकते हैं। इससे इसका नाम है एरो टॉलरेंट, एयर को टॉलरेट करने वाला, राइट। इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है बिकॉज हमने हेडिंग में लिखा एनरोब, ओके। बट यदि ऑक्सीजन आ जाती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोथ ऑफ दीज बैक्टीरिया इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ओके। ये इंडिपेंडेंटली ग्रोथ करेगी। दीज बैक्टीरिया ओनली द फर्मेंटेटिव टाइप ऑफ मेटाबोलिज्म, इस तरह के बैक्टीरिया में देखा गया है कि फर्मेंटेटिव मेटाबोलिज्म ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, या ऐसे चीजें जहां पर फर्मेंटेशन की जरूरत होती है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आता है माइक्रो एरोफाइल्स। माइक्रो एरोफाइल्स जो होती है तो दूस बैक्टीरिया दे ग्रो ऑन द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बट एट एटमोस्फेरिक लेवल ऑफ ऑक्सीजन ग्रोथ ऑफ दूस बैक्टीरिया इज इनहिबिटेड। तो माइक्रो एरोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको बहुत कम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की जरूरत होती है और ज्यादा यदि मिल जाए जितना कि एटमोस्फेरिक लेवल है तो ये इनका जो ग्रोथ होता है वो इनहिबिट हो जाता है, ठीक है, इनको कम ही चाहिए ज्यादा नहीं चाहिए। तो दीज बैक्टीरिया हैव ओनली द ऑक्सीडेटिव टाइप ऑफ द मेटाबॉलिज्म। एग्जांपल है कैम्फाइलोबैक्टर, केवल ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होगा और एग्जांपल रहेगा कैम्फाइलोबैक्टर का, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब जो है इनका मतलब है एनारोब है मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, ओके, एक बात हमको समझ में आती है। दोज बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जो ग्रोथ कर सकता है दैट इज कॉल्ड द ऑब्लिक एनारोब्स। इनके लिए ऑक्सीजन जो है वो हार्मफुल है, ठीक है। दीज बैक्टीरिया हैव ओनली द फर्मेंटेटिव टाइप ऑफ द मेटाबॉलिज्म, इस तरह के बैक्टीरिया में केवल फर्मेंटेटिव टाइप का जो मेटाबॉलिज्म होता है वही होता है। एग्जाम्पल पेप्टोकोकस, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉस्ट्रिडियम, मैथनोकोकस, राइट। लास्ट कैटेगरी है कैप्नोफाइल्स, तो दोज बैक्टीरिया दैट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द ग्रोथ। कैप्नो का मतलब ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसलिए आप इसको आग बंद करके बोल सकते हैं कि जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं कैप्नो बैसिलस। गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।